डीडी किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। फिर अब क्या करने का इरादा है? क्या करेंगे? तुम्हारे पिताजी मेरे साथ शादी नहीं करवाएंगे। मतलब शादी नहीं होगी, बस बिल्कुल सीधी बात। और हम जो प्यार करते हैं इसका क्या होगा? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मैंने तो नहीं कहा है इस घर में शादी नहीं होगी। कहा है तुम्हारे पिताजी ने। तो फिर मैं क्या करूँ? मेरी मुसीबत मतलब तुम्हारा मुसीबत नहीं है क्या? क्यों नहीं, मेरा भी एक सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए मुझे गांव में रहना पड़ेगा। और मैंने तो तुमसे कहा था कुछ रुपया इकट्ठा होने पर मैं अपना प्रोजेक्ट शुरू करूंगा। मतलब वो ड्रामा स्कूल? सिर्फ ड्रामा स्कूल ही नहीं, एक बहुत बड़ा एरिया। रास्ते के दोनों तरफ तरह तरह की फूल। वो रास्ता जाके जहाँ खत्म होगा वहां मेरा ड्रामा स्कूल का ऑफिस होगा। दोनों तरफ क्लासरूम, स्कूल के पीछे रिहर्सल का हॉल, रिहर्सल के घर के सामने होगी एक बहुत बड़ी तालाब। तालाब की चारों किनारे तरह तरह की फलों की पेड़, तालाब में रंगीन मछलियां। वाह, कितना अच्छा लगेगा। तुम क्यों सोच रहे हो? पापा तो फाइनेंस करेंगे ही। लेकिन ये प्रोजेक्ट कहाँ होगी तुम भूल गई हो, गांव में। वही तो प्रॉब्लम है ना, पापा गांव का नाम सुनना ही नहीं चाहते। इसीलिए तुम पापा की ड्रीम प्रोजेक्ट मतलब इंजीनियर की पत्नी बनकर खुश रहो और मैं मेरा प्रोजेक्ट लेकर खुश रहोगे, है ना? इसका मतलब है तुम्हारे उस मछली फूल पेड़ों से भी मेरी मोल कम है। बेकार की भावनाएं मत दिखाओ, जो प्रैक्टिकल है मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, तुम मुझे भगा के ले जाओ, मुझे भी मिलेगी और तुम्हारी ड्रीम प्रोजेक्ट भी। ये नामुमकिन है। क्यों? देखो, अगर मैं शिक्षक ना होकर इंजीनियर होता, मेरा भैया किसान ना होकर डॉक्टर होते, तब तो ये रातुल दास का नाम के आदमी को ना देखकर तुम्हारी शादी करवा देती। जिस तरह इस रातुल के दिल में बसे हुए आदमी को देखकर तुमने प्यार करके अपना जीवन साथी बनाने चाहते हो, उसी तरह मैं भी चाहता हूं कि किसान के परिवार की इस रातुल के साथ तुम्हारी शादी करवाए। भगा कर ले जाने जैसा छोटा काम हम नहीं करेंगे। तो भी सुनो, मरने की सिवा मेरे पास भी दूसरा रास्ता नहीं है। मधुमी, मारोगे तुम सब मारोगे। खेत के नाम पर तुम सब बर्बाद हो जाओगे। क्या बर्नली, क्या पदुमी, सब एक जैसी है। कोई नहीं आएगा यहाँ गांव के गोबर के गोन सूंघने। किसान मिट्टी का इंसान, असली इंसान। ठीक, सब बकवास है। अरे आजकल असली इंसान बड़े लोग तो ऊंची ऊंची दालान पर रहते हैं, पैर पर धूल ना लगे इसलिए वो लोग कारपेट पर चढ़ते हैं। कोई भी बर्नाली, कोई भी पदुमी किचन में कदम रखने के लिए गांव नहीं आएगी, नहीं आएगी ये सब। हरन, हरन तू शांत हो जा, शांत हो जा। तू कहने दो, जो कहना है कहने दो, उसे झूठ तो नहीं बोल रहा है ना। लेकिन हरन भैया, एक बात है, मैं तेरे तरह कमजोर आदमी नहीं हूँ। जिस कारण के लिए तू अपना जीवन बर्बाद कर रहा है
मैं उसी कारण को अपने जीवन का मजबूत बुनियाद समझूंगा और वहीं से शुरू करूंगा अपना नया जीवन। किसका फोन? पदुमी की। इसी तरह चलाती है और मुझे भी। हाँ, तू चुप कर। क्या हुआ माँ, मुझे डर लग रही है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। रातुल, फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहा है? नहीं करूँगा। करके तो देखो, कुछ मुसीबत हुआ होगा। किसी को चैन से रहने नहीं देती ये लोग। ये भगवान, हरेन तुम चुप रहे, तुम्हें मेरी कसम, फोन रिसीव करो, जरूर कुछ मुसीबत हुआ होगा। रातुल, फोन रिसीव कर। हेलो रातुल, तुम कहाँ हो? जल्दी से आओ ना प्लीज। क्या हुआ? माँ बहुत बीमार है, पेट में दर्द है। पापा भी घर पे नहीं है, शिलोंग गए हैं और फोन भी नॉट रीचेबल बुला रही है। प्लीज तुम आओ ना रातुल, मैं अकेले बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, प्लीज। ठीक है। पदुमी के माँ अस्पताल में है और उसके पिता भी शिलोंग में है, आ रहे हैं, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल है। तुम जाओ रातुल। लेकिन उसका पिताजी क्या समझेंगे? और क्या समझेंगे, सासू माँ को खुश करने के लिए गया है। कुछ फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। चुप कर रातुल, तू जा, मुसीबत के समय पास रहना जरूरी है। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अभी नहीं भाभी, जरूरत पड़ने से बाद में ले जाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। जाओ जाओ, कुछ फायदा होने वाला नहीं है, जाओ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। दर्द में चिल्ला रही है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं, कुछ नहीं होगा, इतनी स्वस्थ सबल औरत को कुछ नहीं होगा, शायद मामूली सी बीमारी है। नहीं माँ, कुछ नहीं बोल रही है, मुझे बहुत डर लग रही है। अरे मेरी मानो कुछ नहीं होगा, पहले रिपोर्ट को आने दो। हेलो आंटी। हाँ हाँ दीजिए। हेलो पापा, कब पहुँचे? हाँ हाँ अस्पताल में ही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। पापा आकर घर पहुँच गए, वो आते ही होंगे। ठीक है तो मैं चलता हूँ। तुम क्यों जाओगे? नहीं, शायद मुझे देख के उनको बुरा लगेंगे, तुम तो जानती ही हो, बड़ी बात मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पापा से बोलूँगी मैंने बुलाया है, तुम्हें शर्मिंदा होने नहीं दूंगी। अरे बाबा, तुम मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बाद में आऊंगा ना।
तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। बेटी तुम्हारी माँ कहाँ है? अंडर सेम्बर में। पर माँ के बीमारी के बारे में आपको कैसे पता चला? घर में ताला देख के बुरवा ने पूछा, उसी ने बोला तुम लोग यहाँ पे हो। और आपका फोन कहाँ है? आते वक्त नंगपुर में चाय पीने को एक दुकान में घुसा, वहाँ पे गलती से चोर के आया। अच्छा अभी माँ का कैसा है तबीयत? इंजेक्शन देने के बाद दर्द थोड़ा कम हुआ है। मेरे ऑफिस पे इतने सारे लोग हैं, अगर एक को खबर दे देती तो 10-10 लोग पहुंच जाते। तब मैं डर गई थी, मुझे रातुल की याद आई और मैं जल्द ही उसे बुला लाई। इतनी दूर से उसे बुलाने की क्या जरूरत थी? बेकार में तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लगता। पदुमी मैं चलता हूँ। माँ से एक बार मिलकर जाओ। बिजी आदमी को तकलीफ देना ठीक नहीं है। पदुमी। अरे भैया तुम लोग क्यों आए? अरे कहो तो पदुमी की माँ आप कैसी है? दूर ही कितने हैं, घंटे भर के ही तो रास्ते हैं, और मुसीबतों में लोगों की जरूरत होती है, इसलिए आया। बेटी तुमने बेकार में इन लोगों को तकलीफ दिया, मुझे ये सब बात अच्छी नहीं लगती। मिसेस दीपाली कलिता की अटेंडेंट आई है। रुकिए मैं आ रहा हूँ। देखिए मिस्टर कलिता, आपके मिसेस को ओवर गेस्टिंग है और यह बहुत पुरानी बीमारी है। डरने की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? नहीं नहीं ऐसा कोई खास नहीं है, मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड। देखिए मिस्टर कलिता, आपकी मिसेस को कुछ रेस्ट्रिक्शन में रहना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन है कुछ खाने पीने का, बॉइल फूड खाना पड़ेगा और कोल्ड फूड खाना होगा, और गर्मी से इसको तो तुतली अवॉइड करना पड़ेगा, और जो कुछ भी खाएंगे वो ठंडा करके खाना है। डॉक्टर किस कारण से होती है ये बीमारी? देखिए मेनली गैस्ट्रिक होती है खाने पीने की इरेगुलरिटी में। हाँ। अगर आप टाइमली नहीं खाएंगे तो आपका गैस्ट्रिक बढ़ेगा। पानी जितना पी सकते हैं उतना ही पानी पीना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको खाने का टाइम में खाना नहीं मिला तो एक गिलास पानी पी लीजिए। और नींद सबसे बड़ी चीज है, अगर नींद हराम हो गई तभी आपको गैस्ट्रिक का असर हो सकता है। उसके अलावा हम लोग का जो रासायनिक सार है और जो कीटनाशक दवाई है इससे उत्पादित जो सब्जियां है वो खाने से हम लोगों को गैस होता है, तो इसलिए हम लोगों को यूनाइटेड होकर उसे बैकआउट करना चाहिए। हम लोगों को प्योर जो ऑर्गेनिक सार है उस ऑर्गेनिक सार से हम लोगों को सब्जियां उत्पादन करना चाहिए। अभी देखिए कलिता जी, आप बहुत आश्चर्य हो जाएंगे और आप बहुत खुश होंगे कि मेरे घर में 7 के ऊपर मैंने खेत किया है। वो खेत जैविक पद्धति से किया गया है, तो ये सब्जियां खाने से मन में ऐसे ही अच्छी भावनाएं आती है। तो हम लोगों को मिलकर ये जो जैविक सिस्टम है और ऑर्गेनिक जो सार है उसका हम इस्तेमाल करें और जो रासायनिक सार है उसको हम लोग बायकूट करें। तो कलिता जी अभी आपके पेशेंट को आप ले जा सकते हैं, लेकिन एक बात है, मैंने जो आपको प्रेस्क्रिप्शन दिया है उस प्रेस्क्रिप्शन का जो मेडिसिन है उसे आप टाइमली लीजिए। कलिता कलिता क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं डॉक्टर, चलो बाहर बहुत लोग तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं, अभी खाने पर ध्यान दीजिएगा। जी सर। अच्छा, नमस्ते। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। क्या कहा पापा? माँ अच्छी तो हो गई है ना? हाँ। रातुल कहाँ है? वो उधर है, उसे जरा बुलाओ तो। पर बुरी बर्ताव मत करना पापा। नहीं करूंगा बेटी। रातुल जरा इधर आओ। बेटा आज मेरे आंखें खुल गई। चाचा जी मैं कुछ समझा नहीं। तुमने जो कहा था वही डॉक्टर ने भी कहा, इस बीमारी के मूल कारण है वही रासायनिक सार और कीटनाशक दवाएं।
इतने दिन तक मैंने सिर्फ रंगीन बनावटी दुनिया देखा था। मैंने तुम्हारी बात सुनकर मैं तुम्हें गलत समझा था। आज डॉक्टर की बात सुनकर मेरी गलतफहमी दूर हो गई, तुम्हें मैं समझ पाया। मैंने तुम्हारे स्वाभिमान का मजाक उड़ाकर बहुत गलती की। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दादाजी, डॉक्टर से किसान बहुत बड़ा है। किसान खेत ना करे तो डॉक्टर के घर भात दाल सब्जी नहीं बनती। वाह बेटी, तुम बहुत अच्छी बात करती हो। हाँ, पर शादी के दिन तय करना आपके जिम्मेदारी है। जी, हमने तो अगले महीने की 13 तारीख को ही ठीक करके रखा था। अच्छा, पर इन झंझटों के कारण ही थोड़ा सा रुक गई। आप लोग बुरा मत मानिए, ये मेरी अनुरोध है। तुम भी क्या कहती हो, अपनों की बातों पर क्या कोई बुरा मानते हैं? ठीक है, आप लोगों की तय की हुई दिन में ही शादी होगी। पापा, आप इतनी अच्छी हो। हाँ, अच्छे लोगों की बात कुछ अलग होती है। हाँ, आपको मेरे लिए एक काम करना। किस तरह का काम? आज आपको जाने के वक्त मुझे एक कुदाल खरीद के देना होगा। कुदाल? हाँ, इस बार हम जमाई के कहने के मुताबिक जैविक खेती करेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, खेती बाड़ी बाद में होगा, पहले शादी का तो इंतजाम कर ले। चलिए। मरेगा, सब मरेगा, खेत के नाम पर सब मरेगा। इस बार ये रतुल भी मरेगा। कोई नहीं आएगी, कोई पुडुमी गांव में खेत करने नहीं आएगी। तू क्यों चिल्ला रहा है? तू इस हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? अंकू पढ़ रही है, देखा नहीं? चल अंदर चल, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी। नहीं भाभी, नहीं, मेरा ये परमानेंट सीधी ठीक है। अंकू तू अंदर जा। नहीं माँ, मैं हरेन शाजा के साथ पढ़ूंगी। फिर तू थोड़ी देर छुप रहे, मुझे हरेन के साथ कुछ बातें करनी है। जी माँ। देख हरेन, सब लड़की तुम्हारी बर्नाली की जैसी नहीं होती। मैंने जितना जाना, पदुमी अच्छी लड़की है, वो गांव में रहने के लिए तैयार है। भाभी, पहले तो हर लड़कियाँ कहीं भी रहने के लिए तैयार रहती है, पर जब रहने की वक्त आती है तब फुश, हवा हवा। मेरी बर्नाली को भी तो देखो, कितना प्यार करती थी, एक साथ जीने मरने का वादा किया था, लेकिन क्या हुआ, हवा। मैंने कहा ना, सभी एक जैसी नहीं होती। अब सुन, अगले महीने की 13 तारीख को शादी है, उस दिन तुम होशो हवास में रहना और मेहमानों की ठीक से देखभाल करना, ठीक है? हाँ चाचा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, तू अंकु की पढ़ाई दे, मैं चाय लाती हूँ। ठीक है बेटा, चल किताब ला। ये फिर कृषि। पता है तुम्हें मैंने यहाँ क्यों बुलाया? बताने से ही पता चला लगा ना, जल्दी बताओ क्यों बुलाया है। ऐसे ही ढेर सारे काम पड़ा हुआ है। अरे बाबा, बताती हूँ। जानते हो पापा ने हमारे बारे में क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? तुम्हें हमारे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं, हम गाँव में ही रहेंगे। इसमें उन्हें कहने की क्या जरूरत है, हम तो गाँव में ही रहेंगे। तुम स्कूल जाओगे, ड्रामा करोगे और वक्त पर खेत में जाओगे, और मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर जाऊंगी, और खुले आसमान के तले हरियाले के बीच कितना मजा आएगा। अरे मजा बाद में लेना, पहले शादी हो जाने दो, चलो तुम्हें छोड़ के आते हैं। कहाँ? तुम्हारे घर और कहाँ? नहीं, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ रहूंगी। अरे बाबा, मैंने कहा ना, ढेर सारे काम पड़ा हुआ है, जितना घूमना है शादी के बाद घूमना। अरे शादी के बाद घूमते रहोगे तो काम कब करोगे? अभी लेक्चर बंद करो, अब चलो।
ठीक है चलो चलो। महिमा जल्दी करो। ये लीजिए, रातुल ने इसमें सब कुछ लिख के दिया। हाँ हाँ ठीक है। पिताजी चाचा के शादी में मुझे एक अच्छा सा फ्रॉक देना। ठीक है, तुम चाचा जी के साथ जाकर ले आना। चाचा मुझे नहीं ले जाएंगे। अंकू तुम चुप रहो। देखिए लिस्ट में जिन जिन का नाम लिखा हुआ है सबको बुलाइए, किसी को मत भूलिएगा। मुझे पता है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, शादी ब्याह की हड़बड़ी में अक्सर लोग भूल जाते हैं, इसलिए कह रही हूँ। नहीं मैं नहीं भूलूंगा। अरे मेरे भाई की शादी है, मैं धूमधाम से मनाऊंगा। पिताजी मेरा फ्रॉक। कहा ना चाचा जी से कहना। हा? अब मैं चलता हूँ। ठीक है बाय। चलो भैया। कुछ नहीं, ये पदुमी है, गोबर की गन लेने के लिए शहर से गांव आई हुई है। भैया काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं कब से कह रहा था खेत के मैदान पे आने के लिए, लेकिन तुम सुनते कहाँ? वो मेरा गलत फहमी था, लेकिन जब से पदमी शहर से आके गांव में रहने लगी ना, तब से मेरी ये गलत फहमी दूर हो गई। चलो चलो जल्दी हाल बताओ। चलो पेड़ के नीचे। लीजिए। चलो हरियाली देखो वो कितना खुश है।